स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के लाल कुआं में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पहुंची। खटीमा से चली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज लाल कुआं पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हजारों की संख्या में मौजूद युवा कार्यकर्ताओं की बाइक रैली वीआईपी गेट से सभा स्थल हाट बाजार तक पहुंची, जहां सभा आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि परिवर्तन यात्रा कांग्रेस का सीएम बनाने के लिए नहीं, बल्कि परेशान आम आदमी को जिंदा रखने के लिए निकाली जा रही है। प्रदेश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त है। किसान काले कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। विकास कार्य ठप हैं, परंतु भाजपा सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली है। उन्होंने कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। मोदी सरकार में अंबानी और अडानी को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में जनता कांग्रेस को सत्ता में लाएगी। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। जो जहाँ पे भी रख रहा हो, लेकिन हम जनता के चरणों में हैं। सर्वे में कहीं नंबर वन होंगे, कहीं कुछ होंगे, वो उनके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन हम तो लोगों के चरणों, सवाल पैदा नहीं होता। कोई सवाल भाजपा के सरकार में, सरकार बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये परिवर्तन की शुरुआत है, ये आगे बढ़ेगी और निरंतर आगे। कांग्रेस का नारा नहीं, उत्तराखंड की जनता जनार्दन का नारा हो गया है। और जनता 2022 में सत्ता में परिवर्तन ला करके ही इसकी पूर्ण आहुति करेगी परिवर्तन की, और वहां से हम उत्तराखंड के भाग्य परिवर्तन के काम को आगे बढ़ाएंगे। एक नए सिरे से, नए आकांक्षाओं का, नए विश्वास का, नए सूर्योदय के उत्तराखंड का निर्माण प्रारंभ करेंगे।